नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रे मैटर्स के अंदर। और हमारे इस चैनल पे मैं आपके लिए टेक और टेलीग्राम से रिलेटेड काफी यूजफुल वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल ग्रे मैटर्स को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें हमारे फ्यूचर में ऐसी और भी शानदार वीडियोज के लिए। हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप चैनल लिंक सर्च बॉट कैसे बना सकते हैं। आप सभी लोगों ने इस बॉट के बारे में टेलीग्राम पे जरूर सुना होगा या फिर इस बॉट को कभी ना कभी यूज जरूर किया होगा। तो ये हमारा सैंपल बॉट है, इसको मैं एक बार यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। और ये जिन लोगों को नहीं पता है इस बॉट के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ कि ये बॉट क्या करता है। ये बॉट जिस भी चैनल के अंदर आप ज्वाइन होते हैं उस चैनल के अंदर से जो लिंक्स है उनको सर्च करके आपको दे सकता है उनके टाइटल के साथ। इस बॉट को यहाँ पे ओरिजिनली डेवलप किया है अरमन ने, जिनका यहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल भी है साइनाइट बैकअप के नाम से, और इनका एक YouTube चैनल भी है। आप जाकर इनके YouTube चैनल और Telegram चैनल दोनों को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इनके GitHub ID का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर इन्हें इनके GitHub पे भी जरूर फॉलो करें इनके ऐसे ही और भी शानदार प्रोजेक्ट्स के लिए। तो चलिए हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इस बॉट को कैसे बना सकते हैं रेंडर के ऊपर, वो भी फ्री में। तो सबसे पहले आपको जाना होगा हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक YouTube प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, हाउ टू क्रिएट टेलीग्राम बॉट। आपको ये पूरी YouTube प्लेलिस्ट यहाँ पे देखनी होगी अगर आप बिगिनर हैं और आपको कुछ भी नहीं आता है। तो इस YouTube प्लेलिस्ट को देखें और फिर उसके बाद आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कोई भी बॉट बनाने के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और GitHub रिपोजिटरी, एक GitHub रिपोजिटरी का लिंक मिलेगा। इस GitHub रिपोजिटरी को यहाँ पे आप स्टार कर दें GitHub अकाउंट क्रिएट करके, और इसके बाद आपको इस GitHub रिपोजिटरी का लिंक कॉपी करना है। लिंक कॉपी करने के बाद मैं अपनी दूसरे GitHub अकाउंट को ओपन कर लेता हूं अपने दूसरे ब्राउजर के अंदर, और यहां पे आपको URL के अंदर ये टाइप करना है और एंटर प्रेस कर देना है। फिर उसके बाद यहां पे URL को डाल देना और अपने रेपो का नेम यहां पे चूज कर लेना। तो यहां पे मैं सेम नेम यूज कर रहा हूं और रिपोजिटरी को पब्लिक रखूंगा क्योंकि मैं रेंडर पे डिप्लॉय करूंगा उसको। आप उसको बाद में प्राइवेट कर देना सिक्योरिटी रीजंस के लिए, क्योंकि आपका API ID वगैरह किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए। GitHub रिपोजिटरी यहाँ पे कॉपी हो जाने के बाद आपको यहाँ पे ब्रांचेस देखनी है। यहाँ पे दो ब्रांचेस है, एक मेन और वेब। मेन ब्रांच को आपको VPS और Heroku के ऊपर डिप्लॉय करने के लिए यूज करना है, और हमारी आज की इस वीडियो में आपको रेंडर के ऊपर डिप्लॉय करके बताने वाला हूँ जो कि फ्री प्लेटफॉर्म है फिलहाल के लिए। तो हम यहाँ पे वेब ब्रांच का यूज करेंगे। अब इस रिपोजिटरी के अंदर आपको सिर्फ दो ही फाइल्स को एडिट करना है, एक info.py और एक utils के अंदर आपको एक फाइल पाएगी script.py। इसके अंदर आपको आकर लाइन नंबर 10 को एडिट करना है। यहाँ पे मैंने अपने चैनल का यूजर नेम डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल का, यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम डाल देना है जहां पर आप चाहते हैं कि यूजर्स आपको कॉन्टेक्ट करें आपके बॉट के थ्रू वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपने टेलीग्राम यूजर नेम डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे info.py वाली फाइल के अंदर आपको अपने सारे वेरिएबल्स फिल करने होंगे। मैं समझ लेता हूँ कि आपने प्लेलिस्ट देख ली होगी, तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपने सारे वेरिएबल्स को फिल कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज, ये हमसे यहाँ पे सेशन मांग रहा है। सेशन यानी कि पायरोग्राम सेशन आपको यहाँ पे यूज करना है, लेकिन पायरोग्राम के दो वर्जन है, एक वर्जन 2 और एक वर्जन 3। तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक रैपल का लिंक दिया है, आपको इस रैपल को यहाँ पे यूज करना है और यहाँ पे पायरोग्राम वर्जन 2 आपको जनरेट करना है। तो यहाँ पे मैंने अपना पायरोग्राम सेशन ऑलरेडी जनरेट करके रखा है इसी रैपल से, तो मैं उसको यहाँ पे जल्दी से यूज कर लेता हूँ। इसके बाद हमसे पूछा है MongoDB URL। जिन लोगों को नहीं पता है MongoDB URL के लिए, उनके लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा एक वीडियो का, आप जाकर उस वीडियो को देख लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको लॉग चैनल्स के अंदर एक प्राइवेट चैनल बनाना है जिसपे आप चाहते हैं कि आपके बॉट्स के लॉग आए। तो यहाँ पे मैंने एक प्राइवेट चैनल ऑलरेडी क्रिएट कर लिया लॉग चैनल के नाम से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसकी ID मैं यहाँ पे डाल दूंगा। इसके बाद एडमिन में आपको दिख रहा होगा, एडमिन में आपको पता ही है कि आपको अपने टेलीग्राम की यूजर आईडी डालनी है। इसके बाद चैनल में आप यहाँ पे किसी भी पब्लिक चैनल का यूजर नेम डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे अपने चैनल का यूजर नेम डाल दिया। और इसके अंदर आपको बॉट को एडमिन बनाने की जरूरत नहीं है, आपका बॉट सिर्फ डिप्लॉयमेंट के टाइम पे इस लॉग चैनल के अंदर एडमिन जरूर होना चाहिए। तो ये मेरा जो लॉग चैनल है, यहाँ पे मैं अपने बॉट को ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर बना चुका हूँ। इसके बाद हमारी रिपोजिटरी यहाँ पे रेडी हो चुकी है।
अब आपको इसका URL एड्रेस कॉपी करना है और रेंडर पर जाना है और एक लॉग इन कर लेना, मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर लिया है। एक वेब सर्विस यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पे रिपोजिटरी का लिंक डाल के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपने रेपो कोई भी नाम चूज करना, मैंने लिंक सर्च बॉट डाल दिया है, और ब्रांच के अंदर वेब जरूर सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद रन टाइम में आपको पाइथन सेलेक्ट करना है और फिर आपको यहाँ पे स्टार्ट कमांड डालनी होगी। स्टार्ट कमांड आपको कहाँ पे मिलेगी, आपको वेब ब्रांच के अंदर एक रन cmd.txt करके एक फाइल मिलेगी, वहां पर आपको एक कमांड मिल जाएगी। ये कमांड आपको एज इट इज कॉपी करनी है और यहाँ पे स्टार्ट कमांड के अंदर इसे डाल देना है। इसके बाद आपको स्क्रोल डाउन करके एडवांस पे जाना है और यहाँ पे एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में ठीक इसी तरह से कैपिटल में पाइथन अंडरस्कोर वर्जन डालना और यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी रिपोजिटरी में रन टाइम डॉट टी एक्स टी करके 3.11.1, ये आपको वैल्यू के अंदर डाल देना है और फिर उसके बाद क्रिएट वेब सर्विस के ऊपर क्लिक करना। अब हमारी यहाँ पे बॉट की डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे जो URL है इसको कॉपी करना है, अप टाइम रोबोट वेबसाइट के ऊपर जाना है और इस वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट कर लेना। मेरा अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लॉग इन कर लेता हूँ। इसके बाद बस इस URL का यहाँ पे मॉनिटरिंग चालू कर देना HTTPS सेलेक्ट करके और URL के अंदर इसको यहाँ पे डाल देना और फ्रेंडली नेम में कुछ भी डाल देना और फिर यहाँ पे मॉनिटरिंग को स्टार्ट कर देना। फिर उसके बाद इसको यहाँ पे क्लोज कर देना। अब हमारा बॉट यहाँ पे सक्सेसफुली बिल्कुल ठीक से डिप्लॉय हो जाएगा। अब जब तक मेरा बॉट यहाँ पे एक बार डिप्लॉय हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अपना बॉट आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा बॉट है, मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट करूंगा तो आप देख सकते हो मेरा बॉट अभी यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। अब ये जब यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा बॉट यहाँ पे रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा रैपल के बारे में बता देता हूँ। मैंने आपको इस रैपल का लिंक दिया जिससे आपको पायरोग्राम सेशन जनरेट करना है। देखो यहाँ पे आपको PY2 का यूज करना है, ठीक है, PV2 का यूज करना है। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है PV2 और एंटर प्रेस कर देना है जिससे हमारा पायरोग्राम सेशन वर्जन 2 जनरेट होगा। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे TG सेलेक्ट करना है ताकि आपका जो पायरोग्राम सेशन है वो जनरेट होके आपके टेलीग्राम के सेव्ड मैसेजेस के अंदर आ जाए, जैसे कि मेरा यहाँ पे आया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, जब मैंने इसे जनरेट किया था तो सेव्ड मैसेजेस के अंदर मेरे को अपना पायरोग्राम सेशन मिल गया था। इसके बाद यहाँ पे जो जनरेशन का प्रोसेस होता है वो ठीक वैसे ही है जैसे कि आप किसी भी पायरोग्राम सेशन को जनरेट करते हैं। API ID वगैरह डालना, अपना जो आपका कोड है वो डालना, वेरीफाई करना और आपका जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बॉट सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। आप यहाँ पे जब आपकी रिपोर्ट पे यहाँ पे लिखा जाए लाइव तो इसका मतलब ये है कि आपका बॉट सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लॉग्स के अंदर जाके अपने बॉट के लॉग्स को भी चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको एक बार अपना बॉट यहाँ पे स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। मैं इसको यहाँ पे दोबारा स्टार्ट कमांड दूंगा। तो अभी तक हमारे बॉट ने यहाँ पे कर दिया, हमारे बॉट ने यहाँ पे रिस्पॉन्ड। तो आप देख सकते हैं हमारा बॉट यहाँ पे सक्सेसफुली बिल्कुल ठीक से वर्क कर रहा है। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी उस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना क्योंकि हमारे आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।